हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे बहुत सारे व्यूअर ने यह जानना चाहा है कि क्या रेलवे में मिनिस्ट्री या DRM के कहने पर नौकरी मिल सकती है कि नहीं। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या रेलवे में मिनिस्ट्री कोटा या DRM कोटे पर नौकरी मिलती है कि नहीं। दोस्तों, हमारी इंडियन रेलवेज एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ देश की सबसे बड़ी जॉब देने वाली संस्था है। दोस्तों, केंद्र सरकार के इस ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है पॉलिटिकल और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव। दोस्तों, पॉलिटिकल रूप से रेलवे का हेड रेल मंत्री होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से रेलवे का हेड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड होते हैं। रेलवे के DRM या GM चेयरमैन के नीचे होते हैं। दोस्तों, लगभग हर कोई ऐसा जरूर सोचता होगा कि रेल मंत्री, चेयरमैन या DRM के कहने से रेलवे में नौकरी लग जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे में नौकरी आपको आपके क्वालिफिकेशन और काबिलियत के आधार पर ही मिलेगी। हाँ, यहाँ एक कंडीशन जरूर होता है कि अगर कोई हायर ऑफिसर जैसे कि DRM, GM अप्रूवल करे तो किसी पर्सन को बंगलो प्यून जैसे कार्यों के लिए ग्रुप डी के अंदर रखा जाता है। यानी कि हायर ऑफिसर के रिकमांडेड पर ग्रुप डी में जॉब मिल सकती है, लेकिन वह भी केवल बंगलो प्यून जैसे कार्यों के लिए। दोस्तों, इसके अलावे रेलवे में एक स्पोर्ट कोटा बनाया गया है, जिसमें रेलवे के तरफ से वैकेंसी आने पर स्पोर्टमैन को लिया जाता है। इसके अलावे रेलवे में जॉब के लिए कोई कोटा नहीं बनाया गया है। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।